दो किस्म के लोग होते हैं एक को गॉड गिफ्टेड होता है तो वो मेहनत नहीं करता सचिन के पास गॉड गिफ्टेड था और मेहनत इसीलिए आज वो गॉड ऑफ इंडिया वाले उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कर आपने कब फैसला किया कि आप सचिन तेंदुलकर को यॉक्शर लेके आएंगे लैक्चर में खैर खेलने का चांस तो इतना ईजी नहीं था बहुत पापड़ बेलने पड़े और बहरहाल मुझे दो तीन मीटिंग अटेंड करनी पड़ी उनसे बहुत झगड़ा करना पड़ा एंड में वो राजी हुए कि चलो बॉलर तो ठीक है हमें बॉलर नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर चाहिए था कोई बैट्समैन हो तो वो बैट्समैन ले लेते तो फिर मैंने सचिन तेंदुलकर का रेकमेंड किया ये पहले तो मना कर रहा था बहरहाल पर किया उसको सुनील गवास्कर ने और मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की तो वो खेलने के लिए तो राजी हो गया और जब सचिन यहाँ पे आए इनिशियली कहाँ रह रहे थे उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सली भाई मुझे रहना सेपरेट घर देना लेकिन ड्यूजरी में रहना तो ये कि खाने पीने की मुझे तकलीफ़ नहीं होगी कपड़ों की तकलीफ़ नहीं होगी धोने क्योंकि उस बेचारे को तो कुछ आता नहीं था तो या तो मेरी भाभी धो देती थी या मेरी वाइफ धो देती थी वो बेसिक अपना खाना खा लेता था उसको खाने में कभी उसने वो ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना यही खाना जो दे देते दे वो खा लेता था लेकिन ये कि शौकीन था तो इसको शौक़ था तो हम रात को पिज्ज़ा खाते थे दो मंगाते थे तो छ छः आदमी एक पिज्ज़ा खाते थे और एक अकेला सचिन खा लेता था आपने बोला था कि आप सचिन को पूल एक बार लेके गए थे वाज यूनिक पूल बहुत खूबसूरत जगह है तो हम लोग सब जगह अच्छा बहुत मजा आया राइड की सब ये किया उसको कोई राइड उसने छोड़ी नहीं हर राइड में वो बैठा इस लोग का बिलियर्ड जब खेलने गए तो वो कभी खेला नहीं था पहले और उसने शुरू किया विद इन टेन मिनट्स वो दूसरों से अच्छा खेलने लगा विनोद कांबली जो कि सचिन तेंदुलकर के इतने अच्छे दोस्त थे उनका क्रिकेटिंग करियर कर इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा विनोद मेरे लिए दो साल मेरे अंडर कैप्टेंसी में खेला वो बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर था बहुत टैलेंटेड लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं था सचिन के पास टैलेंट के अलावा हार्ड वर्कर था क्रिकेट जो है ना वो मेहनत मांगता है क्या आपने सचिन का पहला आ, मैच देखा जो आ, उन्होंने यॉर्कशायर में खेला था हम लोग साथ ही गए थे अपने काफ़ी प्रैक्टिस ये की फिर उसके बाद मुझे वो कहने लगा सली भाई एक काम करना है यार हंड्रेड करना है मुझे ठीक है जब उसने फिफ्टी किया तो मैं बहुत खुश हुआ सिक्सटी सेवेंटी उसके बाद एटी फोर या एटी सिक्स में वो आउट हो गया आप माने वो बहुत डिसपॉइंटेड था कि नहीं यार देखो मैं हंड्रेड नहीं कर सका तो उसको एटी फोर या एटी सिक्स करने की खुशी इतनी नहीं थी जितना उसको आउट होने का गम था सचिन का जो लास्ट नाइट था जीवरी में उसके बारे में बताइए रात को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे मेरे घर का दरवाज़ा नौ हुआ सचिन दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मैंने कहा सचिन तुम क्या कर रहे हो कहना शालि भाई मैं जा रहा हूँ मैं आपके और भाभी के फीट पैर छूने आया हूँ मैंने तो 300-400 क्रिकेटर बुलाए होंगे ये वाहिद बंदा था कि जो जाने से पहले मेरे और मेरी वाइफ के पैर छू गया